हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपना क्लास 9 से क्लास 10 का सफ़र करने जा रहे हैं। क्लास 10 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जिसकी DMC आपके साथ लाइफ टाइम एक आइडेंटिटी प्रूफ बन के रहती है। क्लास 10 आपकी पहली बोर्ड की क्लास है जिसमें अच्छे मार्क्स लाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है। मैं खुद क्लास 10th में हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने अपने क्लास 10th के करियर में क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या एक्सपीरियंस करा, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि आपको 10th क्लास में एक बहुत ही अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगी और आपके गोल को अचीव करने में भी मदद करेंगी। सो हमारी आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। सो ऐसा नहीं है कि क्लास 10th बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बोर्ड की क्लास है, आपको बोर्ड चेकिंग में बहुत ही ज्यादा नंबर काटे जाते हैं, ये सब कुछ नहीं होता। बस आपके मन में डर होता है कि क्योंकि आप पहली बार बोर्ड्स देते हो, इसलिए आपके मन में डर होता है कि क्लास 10th बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो रियली आप कुछ अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेस वीडियो। टिप नंबर फर्स्ट, डोंट डिले। तो फ्रेंड्स, कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर स्कूल से कोई काम मिल रहा हो, प्रोजेक्ट फाइल बनानी हो, कॉपी कंप्लीट करनी हो, टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो, तो बच्चे सोचते हैं कि शाम को करेंगे। शाम हो जाती है तो सोचते हैं सुबह करेंगे, सुबह भी हो जाती है तो सोचते हैं स्कूल में जाके कर लेंगे, और जब स्कूल में जाते हैं तो फाइनली ऐसा टाइम हो जाता है कि सबमिट कराने का ही टाइम हो जाता है, लेकिन उनका काम कंप्लीट नहीं होता। तो ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट्स के अंदर देखी जाती है, डिले वाली, यानी वो अपना काम टाइम पे नहीं करते। सो फ्रेंड्स, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। तो ये रूल इस सिचुएशन पे लागू होता है कि अगर आप अपना काम टाइम पे करोगे तब आप आगे फल ले लोगे, अगर आप अपना काम टाइम पे नहीं करोगे तो आप आगे फल नहीं ले पाओ। तो इसीलिए अपना काम, जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी मिले तो उसी टाइम कीजिए, उसको डिले मत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, टिप नंबर 2, कंसिस्टेंसी। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी नीट या जेई टॉपर से पूछोगे कि आपकी सक्सेस के पीछे का राज क्या है, तो आपको बताएगा कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके एम को अचीव करने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करती है। अगर आप अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट हो तो रियली आप जीवन में सफलता हासिल कर पाओगे। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि नीट जेई टॉपर्स कैसे टॉप मार लेते हैं, तो वो अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट रहते हैं। ज्यादातर टॉपर्स ये कहते हैं कि मैं दिन में 6 घंटे पढ़ता था, इसी वजह से मैं कर पाया। अब उनका ये नहीं है कि एक दिन 6 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 3 घंटे पढ़ा, वो कंसिस्टेंट है। आज के दिन 6 घंटे पढ़ा है तो कल भी 6 घंटे पढ़ेंगे, परसों भी 6 घंटे पढ़ेंगे। इसीलिए 10th क्लास में अगर आप 2 घंटे की भी सेल्फ स्टडी लेते हो तब भी आप इजीली 95% से अच्छे मार्क्स ले पाओगे, अगर आप 2 घंटे की भी सेल्फ स्टडी लेते हो एक दिन में। जरूरी है, अगर आपको टॉप करना है तो आपको 2 घंटे की सेल्फ स्टडी लेनी ही लेनी पड़ेगी क्लास 10th के अंदर। टिप नंबर 3, फॉलो NCERT बुक। सो फ्रेंड्स, 90% बच्चे इस गलती को करते हैं, वो NCERT बुक्स को फॉलो नहीं करते, वो रेफरेंस बुक पे ज्यादा भरोसा करते हैं। जब पेपर टाइम आता है तरह तरह के क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं, तरह तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह वगैरह की बुक्स खरीद लेते हैं, लेकिन अपनी NCERT को फॉलो नहीं करते, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। CBSE कहती है हम NCERT से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं देते, कि आपका पेपर सब कुछ NCERT से आता है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आता है, सारा का सारा NCERT से बनता है। तो क्यों आप बाहर की बुक्स खरीदते हो, इससे अच्छा आप NCERT पढ़ लो। हाँ, अगर आपको ज्यादा ही करना है तो मैथ्स के RD शर्मा मैं प्रेफर कर सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स के टाइप्स आपको उसमें मिल जाएंगे। बात वही है, NCERT पढ़ो या RD शर्मा पढ़ो, लेकिन RD शर्मा में एक क्वेश्चन के 10-15 टाइप मिल जाते हैं, जिसको प्रैक्टिस करने से आपकी और अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी NCERT करो, एक नंबर तरीके से आप 95% अबव मार्क्स लेके आओगे। सो फ्रेंड्स, ये थी 3 टिप्स, उम्मीद आपको अच्छी लगी होंगी। सो फ्रेंड्स, ना कि केवल आपकी क्लास 10th, बल्कि आप जब भी आगे कहीं जाओगे आपको ये 3 टिप हमेशा काम आएंगी। बी फॉलो देम एंड मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, एक सब्सक्राइब जरूर कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।